यानी कि ज़्यादा एडवांस है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर N160 का हॉर्नेट से। इधर USB A चार्जिंग पोर्ट मिलता है जबकि इसमें कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि ज़्यादा चौड़ा टायर मिलता है हॉर्नेट में। 1000 लाइट का फीचर मिलता है, बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है, 3 राइडिंग मोड आ गए हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आ गई। भाई इन दोनों की कीमत के बीच में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। यह है होंडा हॉर्नेट 2.0 और ये है बजाज पल्सर N160 जिसको कंपनी ने अभी हाल ही में अपडेट किया है। भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें 150cc से 200cc के बीच में एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक लेनी है। जब से कंपनी ने इस बाइक को अपडेट कर दिया है तब से कन्फ्यूजन लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दोनों में USD सस्पेंशन है भाई, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की, दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है, होंडा की हॉर्नेट 142 किलो की है। हाँ भाई 142 किलो की, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा मस्कुलर लग रही होगी। वहीं दूसरी ओर जो इनकी बजाज की पल्सर N160 है, ये बाइक 155 किलो की है। इसका कर्ब वेट 155 kg है, 142 kg, भाई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सीट हाइट की अगर बात की जाए लगभग बराबर है 795 mm के आसपास, और ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों में ही लगभग बराबर मिल जाता है 165 mm के आसपास। आओ अब इनको फुल फ्रेम में देख लेते हैं। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, फ्रंट से प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, पास से दिखाता हूँ। हॉर्नेट नेकेड हेड मिलता है, इसमें भी नेकेड हेड मिलता है, होंडा की ब्रांडिंग है। हेडलाइट की अगर बात की जाए रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, ब्लिंकर्स LED में दिए गए हैं। इग्निशन के ऑन होते ही यहाँ पर ये DRL ऑन हो जाते हैं, और इस बाइक में जो है 1000 लाइट का फीचर मिलता है, ये देखिएगा। अब बात कर लेते हैं N160 की, इसका हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये DRL मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इग्निशन के ऑन होने पर इसके जो DRL हैं वो ऑन नहीं होते हैं, जब बाइक स्टार्ट होती है तभी ऑन होते हैं। साइटर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए इसमें भी ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं, लेकिन भाई इसमें कोई भी 1000 लाइट का फीचर नहीं मिलता है। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की, दोनों में USD सस्पेंशन है भाई। इसमें थोड़ा सा लाइट कलर दिया गया है और इसमें थोड़ा सा डार्क गोल्डन साइड दिया गया है। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए दोनों ही बाइक में मडगार्ड जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी पैटर्न में मिलते हैं। बात करते हैं व्हील की, दोनों ही बाइक में 17 इंचेस के व्हील मिलते हैं, अलॉय व्हील हैं, काफ़ी अच्छी बात है, दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं। बात कर लेते हैं टायर की, इसमें MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है, और फ्रंट टायर की प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 110/70/17 हॉर्नेट की। N160 की अगर बात की जाए इसमें कंपनी ने दिया है यूरी ग्रिप कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। और फ्रंट टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इधर दिखा देता हूँ, ये देखिए 180/17, यानी कि ज़्यादा चौड़ा टायर मिलता है हॉर्नेट में। बात कर लेते हैं दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम की, हॉर्नेट में मिलता है सिंगल चैनल ABS, N160 में मिलता है डुअल चैनल ABS, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है पल्सर और हॉर्नेट में। इसमें मिलता है 270 mm का फ्रंट में पेडल डिस्क, और इसमें मिलता है 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों बाइक के टैंकर डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, इधर ये देखिएगा हॉर्नेट को, इधर ये होंडा की बैजिंग है 2.0 की, यहाँ पर स्टिकरिंग है हॉर्नेट को, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, ये पूरा फाइबर में दिया गया है। E20 का सपोर्ट मिलता है इस बाइक में, इस बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बात कर लेते हैं N160 की, इसके टैंक का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा पल्सर का 3D में बैज मिलता है। N160 नए वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं, E20 का सपोर्ट है, इधर USB A चार्जिंग पोर्ट मिलता है जबकि इसमें कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। इस बाइक में टैंक मेटल में मिलता है, और इस बाइक में 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, यानी कि ज़्यादा पेट्रोल N160 में बनेगी। हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का है हॉर्नेट का, और इसका कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं, लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट हैंडल पर डेडिकेटेड इंजन किल स्विच, यहाँ पर ये 1000 लाइट, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। चाबी की अगर बात की जाए तो टैंक पर इग्निशन को दिया गया है, नॉर्मल चाबी ऑफर की गई भाई, 100cc में भी यही चाबी मिलती है होंडा की बाइक्स में। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है फुली डिजिटल मीटर मिलता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। इसमें कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं है, और ना ही कोई भी टर्न बाई टर्न नेविगेशन इसमें मिलता है। बात कर लेते हैं N160 की, इसके हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है,
लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटेड लो बीम हाई बीम पासिंग मोड बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर डेडिकेटेड इंजन किल स्विच, इधर ये हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए डेडिकेटेड बटन, हॉर्न का बटन दिया गया है, इधर ये सेल्फ का बटन दिया गया है। चाबी की अगर बात की जाए इसमें भी नॉर्मल चाबी दी गई है, और इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। भाई इस बाइक में बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है, 3 राइडिंग मोड आ गए हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आ गई है, और इस बाइक में टर्न बाई टर्न नेविगेशन जैसा फीचर भी मिलता है, यानी कि ज़्यादा एडवांस है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर N160 का हॉर्नेट से। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इन दोनों ही बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझिए, इन दोनों बाइक के इंजन की। इसमें कंपनी ने दिया है 164.84 cc का सिंगल सिलेंडर एयरकूल BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। वहीं दूसरी ओर होंडा ने अपनी हॉर्नेट में दिया है 184.4 cc का सिंगल सिलेंडर एयरकूल BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं N160 की। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.68 bhp की 8750 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का 6750 rpm पर। बात कर लेते हैं हॉर्नेट की। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.03 bhp की 8500 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 15.9 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। भाई इसमें ज़्यादा cc मिलती है, इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है, इसका थोड़ा सा कम है। ठीक है, नो डाउट इंजन में पावर और टॉर्क जो है इसमें ज़्यादा मिलता है, इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक में एयर कूल्ड इंजन मिलता है। ऑयल कूल टेक्नोलॉजी पहले मिलती थी N160 में, लेकिन भाई अब नहीं मिलती है, हॉर्नेट और ये दोनों एक से हो गए अब तो। और यहाँ पर ये इंजन गार्ड लगा कर दिया है दोनों ही बाइक में। दोनों बाइक में 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में। दोनों ही बाइक में सेफ्टी पॉइंट डब्ल्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर और सेंट्रल स्टैंड जैसा फीचर भी मिलता है। ये देखिएगा साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। दोनों ही बाइक में स्प्लिट सीट मिलती हैं। ये देखिएगा सीट कॉल पर N160 को मेंशन किया है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ग्रैबरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, और इस बाइक के ग्रैबरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में दोनों ही बाइक में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। दोनों ही बाइक में नेकेड चैन सेट मिलता है। इधर ये चाबी लगाने का सेक्शन, यहाँ पर भी उधर चाबी लगाने का सेक्शन मिल जाता है। इधर ये एडिशनल बट प्रोटेक्शन मिल जाती है, इधर भी मिल जाती है। रियर में टायर हगर N160 में मिलता है, और इसमें कोई भी टायर हगर नहीं मिलता है। बात करते हैं रियर टायर की। MRF कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है हॉर्नेट में, और ये टायर प्रोफाइल है 140/70/17। बात कर लेते हैं N160 की। इसमें भी यूरोग्रिप कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है, और रियर टायर प्रोफाइल है 130/70/17, यानी कि रियर में ज़्यादा चौड़ा टायर मिलता है हॉर्नेट में N160 से। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट दोनों में LED में मिलती है, नंबर प्लेट लाइट इसमें LED में मिलती है, उसमें शायद हैलोजन बल्ब है, और ब्लिंकर्स दोनों ही बाइक में LED में मिलते हैं, लेकिन भाई हॉर्नेट में 1000 लाइट का फीचर मिलता है जो कि इसमें नहीं मिलता है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हॉर्नेट में मिलता है सिंगल चैनल ABS, रियर व्हील में मिलता है 220mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, नेशन के कैलिपर्स हैं। वहीं दूसरी ओर N160 में मिलता है डुअल चैनल ABS, और रियर व्हील में मिलता है 230mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। हॉर्नेट के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, कॉम्पैक्ट है, मस्कुलर है, इधर ये मफलर मिलता है। वहीं दूसरी ओर N160 में अंडर वैली एग्जॉस्ट लगाकर कंपनी ने दिया है। ये दोनों ही बाइक में पिलियन फुट पैड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलते हैं। दोनों ही बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। ये देखिएगा भाई, इनका डिटेल कंपैरिजन कर लिया। आइए बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। भाई आवाज़ तो सुन लें, कितनी दमदार है। सिंगल एडेंट पे स्टार्ट हो गई हॉर्नेट। इस बाइक में साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है, और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई। ये देखिएगा आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए आइडियल कंडीशन पर। थ्रॉटल देता हूँ, आरपीएम पहुंच जाता है 10,000 अल्टीमेट। अब स्टार्ट कर लेते हैं N160 को। सिंगल अटेंड पे स्टार्ट हो गई आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। ओ भाई बड़ा बेसी साउंड है यार इसका। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी भी हेडलाइट ऑन हो जाती है, और DRL भी ऑन हो जाते हैं, और इसमें DRL इग्निशन के ऑन होते ही ऑन हो जाते हैं, काफ़ी अल्टीमेट। किसका इंजन साउंड ज़्यादा बेहतर लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। पहले बात कर लेते हैं वारंटी की। होंडा कंपनी अपनी हॉर्नेट पर देती है 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, जी हाँ भाई। वहीं दूसरी ओर बजाज की पल्सर N160 पर कंपनी देती है 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई नो डाउट N160 से ज़्यादा माइलेज निकाला जा सकता है और इससे थोड़ा सा कम आपको माइलेज मिल सकता है, क्योंकि इसमें हैवी इंजन मिलता है, ठीक है, पावर टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है ना, इस वजह से इससे लगभग 45 के आसपास का माइलेज और इससे आप 40 के आसपास का माइलेज मानकर चल सकते हैं। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनके प्राइस की। भाई बजाज पल्सर N160 का जो टॉप मॉडल है वो आपको सब जगह मिल जाएगा, 12 चैनल ABS के साथ में। सिंगल चैनल ABS किसी किसी डीलरशिप पर आपको मिलता है, ठीक है, यानी कि दो वेरिएंट इसमें आते हैं। और हॉर्नेट में आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट और रेप्सोल एडिशन दो मिलते हैं। रेप्सोल एडिशन में केवल ग्राफिक्स का ही फ़र्क रहता है, टेक्नोलॉजी वाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड में आपको नॉर्मल मिलती है। एक्सोरूम प्राइस की अगर बात की जाए दोनों की लगभग बराबर ही है, 2-3 हज़ार रुपये का ही अंतर है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 1,40,000 रुपये के आसपास और इसकी भी लगभग 1,40-1,41 के आसपास ही है, ठीक है। और ऑन रोड आते आते दोनों बाइक जो हैं आपको मिल जाएंगी लगभग 1,70,000 रुपये के आसपास, कोई प्लस माइनस आप 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। कहीं ये 2-3 हज़ार रुपये सस्ती होगी, कहीं 2-3 हज़ार ये सस्ती होगी, डिपेंड करता है सिटी पर और स्टेट पर और डीलरशिप पर भी, ठीक है, रफ आइडिया मानिएगा प्राइस का केवल। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा की हॉर्नेट किसे लेनी चाहिए। भाई यदि आपको इंजन में ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, हैवी इंजन चाहिए, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, देखने में एक मस्कुलर बाइक चाहिए लेकिन लाइट वेट बाइक चाहिए, आपको हज़ार लाइट का फीचर चाहिए, आपको चौड़े चौड़े टायर चाहिए, तो आप होंडा की हॉर्नेट ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं N160 किसे लेनी चाहिए। भाई यदि आपको 12 चैनल ABS चाहिए, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, USB A चार्जिंग पोर्ट, ये सारे फीचर चाहिए और आपको थोड़ी हैवी वेटेड बाइक चाहिए, तो आप बजाज पल्सर N160 की तरफ जा सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। कौन सी बाइक आपने सेलेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इनके इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकराउंड किया हुआ है, सभी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको आई बटन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर है, मैं आपको दोनों ही बाइक जो है 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल कोई भी सुझाव कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।